इसकी वैल्यू और इमोशंस जो हैं उस स्टैचू से कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं। इसका नाम है रामजे खालिद इस्माइल, कि इसने कंफर्ट लेडी स्टैचू के साथ गंदा व्यवहार करा, डांस करा, नंगा डांस करा, भद्दा डांस करा और उसको किस करा। कंफर्ट लेडी स्टैचू क्या होते हैं? पूरी कंट्री ये चाहती थी यहाँ पे ये बंदा जो है फंसे। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोग। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जॉनी सोमाली की। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि भैया जॉनी सोमाली का क्या सीन है, जॉनी सोमाली के ऊपर वीडियो बनाओ। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि यार देखो कोरियन गवर्नमेंट जो है कितना कितना गंदा करती है फॉरेन यूट्यूबर्स के साथ या फॉरनर्स के साथ, यहाँ पे उसको जेल में डाल देती है जस्ट बिकॉज उसने कुछ लाइव स्ट्रीम्स कर दी कोरिया में। तो आज के इस वीडियो में हम जॉनी सोमाली के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज है बट मोस्ट ऑफ देम आर इन इंग्लिश। तो मैंने सोचा क्यों ना एक हिंदी में वीडियो बनाए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, यहाँ पे उनको बताए क्या कंट्रोवर्सी है और क्या ये गलत है या क्या ये सही है। तो आज का वीडियो जो है पूरा एंड तक देखना मत भूलना और मेरे जो है ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर दो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे नाम भी लिखा होगा। एनीवेज, जॉनी सोमाली, मुझे इस बंदे बारे में नहीं पता था, मुझे कमेंट्स आए कि हाँ भाई ये देखो ये जॉनी सोमाली क्या कर रहा है या फिर देखो कोरियन गवर्नमेंट जॉनी सोमाली के साथ क्या कर रही है, उसको मतलब उसको उसके साथ गलत कर रही है। तो फिर मैंने सर्च करा कि हाँ भाई ये बंदा कौन है। इस बंदे का नाम जो है, इसका नाम है रामजे खालिद इस्माइल, जो कि अमेरिकन स्ट्रीमर है। और इस स्ट्रीमर ने पूरे पूरे पूरी दुनिया में जहां जहां गया इसने कॉन्ट्रोवर्सी ही करी है। मैं आपको स्टार्टिंग में कहता हूँ, ये वायरल कब हुआ था, जापान में गया था। और जापान में जाने से पहले ना एक बस खाने पीने की नॉर्मल स्ट्रीमिंग करता था, हाँ भाई ये देखो डांस कर दिया बस हो गया जैसे। और जापान में ये मेट्रो में था एक दिन और एक जैपनीज बंदा, इनोसेंट जैपनीज बंदा जो है ऐसे अपना कुछ कर रहा था, तो उसने कह दिया अभी नागासाकी। रामजे ने जॉनी सोमाली ने पूछा कि नागासाकी, तो जैपनीज बंदा कह रहा हाँ हाँ नागासाकी हमारी सिटी है, बता क्या कर क्या उखाड़ लेगा। तो उसके बाद जॉनी सोमाली बोला हिरोशिमा, तब वो जैपनीज बंदा जो है सचेत हो गया कि हाँ भाई ये जो है ही इज टॉकिंग अबाउट जो एटम बम जो अमेरिका ने छोड़ा था हमारे ऊपर। तो उसके बाद ये रामजे खालिद जो कहता है कि हाँ भाई तुमने हमारा पल्ला ओवर तोड़ा, हमने तुम्हारे पर एटम बम छोड़ दिया, हम फिर से छोड़ देंगे अगर तुम यही हरकतें करने लग गए तो। इमेजिन ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी जहाँ पे 2.5-3 लाख लोग मरे थे कम से कम इमिजिएटली, वहां जाके एक अमेरिकन बंदा ऐसी बातें बोले। तो भाई वो जो क्लिप थी ना वो वायरल हो गई थी पूरे वर्ल्ड में कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ। और वहीं पे उसी ट्रेन में जो है एक अमेरिकन कोरियन भी था, उसने आके जो है जैपनीज का बचाव करने की कोशिश करी कि हाँ भाई उसने जॉनी सोमाली को बोला कि भाई लेट हिम लीव, उसको छोड़ दे। तो ये जॉनी सोमाली कहता है हाँ भाई तू कौन है बेचिंग की, और उसको लगा कि हाँ भाई ये तो कोरियन है या फिर चाइनीज जैपनीज होगा। तो वो अमेरिकन कोरियन कहता कि भाई मैं भी अमेरिकन हूँ और मैं टेक्सस में रहता हूँ, बता क्या उखाड़ लेगा। तो ये जो क्लिप थी ना ये बहुत वायरल हुई थी, बहुत वायरल हुई थी। और इस क्लिप के बाद जैपनीज लोगों ने भी इसका पीछा किया था। तो एक जगह जब उसका पीछा किया गया था तो भाई इसने कह दिया कि हाँ भाई मुझे तो पैसे दिए थे इसलिए मैंने पूछ लिया, मुझे तो कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। लेकिन इसके बाद इसने बहुत सारी हरकतें करी, बहुत सारी लड़कियों को जो है अनविलिंगली अनवांटेडली अपनी स्ट्रीम में लाता था, किस करने की कोशिश करता था या फिर डांस करता था, नंगा डांस करता था या भद्दा डांस करता था, जिस वजह से जो है जापान ने जो है इस पर ट्रैवल बैन लगा दिया और ये अब जापान नहीं जा सकता। और बस ये जापान ही नहीं, ये बहुत सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या वीडियो प्लेटफॉर्म से भी बैन है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ट्विच से बैन है, तो ये किक पे आ गया। और फिर ये अमेरिकन यूट्यूबर रामजे खालिद जो है इस्माइल, ये आया कोरिया और इसने फिर से हुई अपनी छपरी हरकतें स्टार्ट कर दी। और छपरी हरकतें क्या थी, सबसे जो वायरल इसका जो था, जो सबसे ज्यादा गुस्सा है जिस वजह से कोरियंस के अंदर, वो ये है कि इसने कंफर्ट लेडी स्टैचू के साथ गंदा व्यवहार करा, डांस करा, नंगा डांस करा, भद्दा डांस करा और उसको किस करा। कंफर्ट लेडी स्टैचू क्या होते हैं, साउथ कोरिया के ज्यादातर पार्क्स में ना, बड़े बड़े पार्क जो होते हैं वहां पे आपको एक लेडी, एक छोटी बच्ची सी जो स्कर्ट में होगी वैसे सा ना आपको एक फोटो मिलेगी या स्टैचू मिलेगा, वो कंफर्ट लेडी स्टैचू कहा जाता है। जब जापान ने कोरिया को बंदी बना रखा था, जब जापान रूल करता था कोरिया में, तब जापानीज आर्मी जो है कोरियन लेडीज को सेक्स स्लेव बना देते हैं। तो ये उस चीज का सिंबल है, वो सिंबलाइज करता है कि हाँ भाई हमारी लेडीज ने जो है बहुत सेक्रीफाइस करा है। ये कंफर्ट लेडी स्टैचू के साथ ना नंगा होके बहुत ही भद्दा गाना लगा के, गाने का मतलब ये था कि हाँ भाई क्या तू आज कुछ होगा क्या, आज मैं लक्की होगा क्या, आज की रात कुछ होगा क्या। उस कंफर्ट लेडी की
लैब पे बैठता है, किस करता है, गंदा गाना, गंदा डांस करता है और यू नो ऐसे ऐसे करके करते, मतलब कोई इलिटरेट भी ऐसा नहीं करेगा। मतलब माल छोड़ दो कि कंफर्ट लेडी स्टैचू था, कोई भी ऐसे किसी स्टैचू के साथ नहीं करेगा। मतलब ये क्या छपरी पन है भाई। तो वो कंफर्ट लेडी स्टैचू जो है ना, उसकी बहुत वैल्यू है साउथ कोरिया में। और मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। आज से 8-9 साल पहले जब मैं साउथ कोरिया में नया नया था, तो मैंने भी अपनी वाइफ से कहा था कि मैंने एक स्टैचू देखा तो मुझे लगा मैं फोटो खिंचवाता हूँ इसके साथ, ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए। तो मेरी वाइफ ने सारा सा मना कर दिया कि डोंट डू इट। उसने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन मना कर दिया था। तो इससे आपको पता चलता है कि कोरियंस की वैल्यू और इमोशंस जो हैं उस स्टैचू से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अब इसके बाद जो है ये जो छपरी है, मतलब ये अमेरिकन छपरी, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। ये अमेरिकन छपरी जो है सीयू में, सीयू वही जहाँ पे दीदीज जो है वीडियो बनाती हैं कि भाई देखो देखो से, वहाँ गया, वहाँ बैठा, वहाँ पे रामिंग खा रहा था और दारू पीने की कोशिश कर रहा था। तो एक आंटी आई और बहुत ही मतलब 60 साल की आंटी होंगी, वहीं काम करती थी। उन्होंने स्टाफ ने कहा कि हाँ आप यहाँ पे दारू नहीं पी सकते, डोंट डू इट। ये पी रहा था लेकिन कहा आई एम नॉट ड्रिंकिंग। और उसने ऐसे करने की, ऐसे मतलब कि मारूंगा तेरे को, ऐसा भी किया। उसके बाद ये वहाँ पे बंदा डांस करता है, जो भी जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने ऐसे गंदा डांस करता है और रामेन जो उठा के ऐसे फेंक देता है, हाथ से उठा के ऐसे फेंक देता है। जिसको देख के एक और लेडी आती है, वो कहती है कि डोंट डू इट अदरवाइज मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये नहीं मानता, इसको लगता कि भाई हम अमेरिकन हैं और कोरिया तो हमारे नीचे है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। उस आंटी ने पुलिस को बुलाया, कोरियन पुलिस जो है उसने FIR लॉन्च करी। और उसके बाद जो है ये लीगल प्रॉब्लम से फंस गया, और लीगल प्रॉब्लम से फंसा ही फंसा। लेकिन जो कंफर्ट लेडी स्टैचू था इसने किया था ना, वो वायरल हो चुका था कोरिया में। तो इसके बाद कोरियंस ना इसको ढूंढ रहे थे कि जहां दिखेगा वहां मारेंगे। कोरियन स्टीमर्स ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई जहां दिखेगा वहीं मारेंगे, और इस बार मारा भी। नॉर्मली कोरियंस जो है कैमरे के सामने ऐसा मारपीट नहीं करते क्योंकि जेल हो जाएगी, लीगल प्रॉब्लम से फंसेंगे। लेकिन इस बार वो नहीं माने। जो कोरियन कमेंटर्स थे वो भी, जो लोग को इस बंदे को मार रहे थे उसको लेजेंड बोल रहे थे कि हाँ भाई हमारी कंट्री का नाम यही रोशन करेंगे। ये सारा जो किस्से हो रहे थे ना, ये कोरिया के न्यूज में भी आ रहे थे। और कोरिया के न्यूज में जो है कोरियंस जो मार रहे थे वो ब्लर कर दिया गया था, लेकिन जॉनी सोमाली का फेस जो है दिखा रहे थे। क्योंकि पूरी कंट्री ये चाहती थी कि हाँ भाई ये बंदा जो है फंसे, पिटे। और यही हुआ। इसके बाद जो है कोरियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है केस करा और इसके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, और ये बाहर नहीं जा सकता कोरिया से। इसको लगा था कि हाँ भाई कोरियंस जो है जैपनीज की तरह होंगे, अरिगातो अरिगातो अरिगातो, बट कोरियंस जो है कोरियंस है, वो कहेंगे तुम्हारी माँ का गातो। और ये पिटा भी, इसकी आंखें आप वीडियो स्ट्रीम देखोगे, इसकी आंखों में स्टेचेस लगे हुए, बैंडेज लगे हुए, सब कुछ कर रहा है, ये पिट रहा है, लोग मार रहे हैं उसको, आते ही दे मार रहे हैं उसको। और ये पिटा, इसने अपोलोजाइज भी करा कि अभी मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये लेडी कौन है, स्टैचू की वैल्यू क्या है, लेकिन मेरे से गलती हो गई। तो अब जो है मिला जुला के ये है कि हाँ भाई ये अलग अलग केसेस में 5-5 साल की सजा जो है पा सकता है, और टोटल जो है वो है 29 ईयर्स की सजा इसको मिल सकती है। इमेजिन 29 ईयर्स जस्ट बिकॉज यू वर फकिंग प्लेइंग विद समवंस कल्चर इन देयर कंट्री। ये एक बहुत बड़ा छपरीपन है जो हर एक फॉरनर को अवॉइड करना चाहिए। अगर तुमको वैल्यू नहीं है, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी भी कंट्री की, इट्स बेटर नॉट टू गो देयर। एनीवेज, टू एड्रेस दोस पीपल जो क्या कहते हैं हाँ भाई कोरिया कितना गलत कर रहा है, तो भाई आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वेरी पोलाइटली, इमेजिन हमारी स्वतंत्रता सेनानी जो थी रानी लक्ष्मी भाई, या फिर किसी भी एक ऐसी लेडी का स्टैचू जो हमें मिल जाते हैं इंडिया में, या फिर किसी का भी स्टैचू, इमेजिन कोई तेल लगा के अपनी बॉडी में नंगा होके और पीछे एक बहुत भद्दा गाना लगा के कि हाँ भाई आज मिलेगा क्या, आज मैं लक्की होऊंगा क्या, आज की रात कुछ होगा क्या, किस करे हमारे जो सिंबल्स हैं, जो हमारे यू नो जिन्होंने जिनके बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो आपको कैसा लगेगा, इज इट कि हाँ भाई ये बंदा सही था और कोरियन गवर्नमेंट जो है ज्यादा गलत हो रही है इसके साथ, या फिर कोरियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही करा इसे, छपरी को 29 साल नहीं 99 साल की सजा होनी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट। मैंने आपको जो विस्तार से नहीं समझाया लेकिन एक पूरा ही सार उदा दिया कि हाँ भाई छोटे में हिंदी में आप समझ जाओ कि एक्चुअली में क्या किस्सा था, और क्या ये बंदा वापस जा पाएगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई कोरियन लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस चीज से। बट लेट्स सी कि क्या होता है।